How to fix Jio TV app connection not available, kindly check your connection problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो एरर है दोस्तों, आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, जब दोस्तों आप यहाँ पे Jio TV को ओपन करने के लिए जाओगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने ओपन कर दिया, तब दोस्तों आपको इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और आपका ऐप जो है वो भी ओपन नहीं हो पाएगा ड्यू टू दिस एरर। ठीक है, तो ये एरर की वजह से आपका ऐप ओपन नहीं हो पाएगा और आप कुछ भी देख नहीं पाओगे अपने Jio TV ऐप के अंदर पे। तो इसको कैसे फिक्स करना है, क्या सॉल्यूशन करना है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा सॉल्यूशन के साथ में। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस चीज़ का सॉल्यूशन। बेसिकली दोस्तों, आपको ये एरर पे यही देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका कनेक्शन नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो कनेक्शन नॉट अवेलेबल यानी आपका जो डेटा कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आया होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका सर्वर कट हो गया होगा या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, तो ऑटोमेटिक दोस्तों कभी कभी वो डिसकनेक्ट भी हो जाते हैं लाइन से, तो उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों नेटवर्क कम्प्लीटली हमारे मोबाइल पे चलना ही बंद हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो उसके बाद जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सारे साथ दोस्तों, मैं आपको एप्लीकेशन का भी यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, जैसे कि कुछ सेटिंग्स अगर आपने ऑन कर दिया है या तो फिर बंद कर दिया है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आते हैं और ऐप के बग वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सारे सॉल्यूशन करने के बाद फिक्स हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करेंगे नेटवर्क सॉल्यूशन से। तो आपको जाना है दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करना है, सिस्टम सर्च करना है, उसके बाद रीसेट ऑप्शन एंड देन रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, और यह है आपका नेटवर्क रीसेट सेटिंग। अगर आपको यह सेटिंग ढूंढने में दिक्कत आती है तो सेटिंग के सर्च में जाइए, टाइप कीजिए रीसेट नेटवर्क सेटिंग, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना सिम, उसके बाद आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है और रीसेट कर देना है। मोबाइल पासवर्ड यहाँ पर ऐड कीजिए और रीसेट कर दीजिए। तो रीसेट होने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल अप करके जाना है ऊपर में, वाईफाई नेटवर्क पे जाइए, सिम नेटवर्क पे जाइए और अपना डेटा कनेक्शन को एक दफ़ा जो है बंद करके ऑन करना होगा, ताकि आपका नेटवर्क रिफ्रेश हो जाए। साथ ही साथ प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर जाके भी नेटवर्क को स्विच कीजिए बिटवीन 3G 4G के बीच में। ठीक है, ये करने के बाद दोस्तों आप अपने सिम पर भी जाके एक्सेस पॉइंट यानी कि आपके APN को भी रीसेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नेटवर्क ऑपरेटर पर जाके नेटवर्क को ऑटोमेटिकली या तो फिर बाय मैन्युअली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं अपने नेटवर्क को फिक्स करने के लिए। नेटवर्क फिक्स करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा से एक बार जाइए, चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों, बाय एनी चांस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको ऐप में सॉल्यूशन करना है। जैसे कि प्ले स्टोर में जाना है, आपको सर्च करना है Jio TV, उसके बाद आपको अपडेट कर देना है इस ऐप को। ठीक है, ऐप आपका अपडेट होना चाहिए। अपडेट होने के बाद सेटिंग पर जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, ऐप एंड नोटिफिकेशन पर जाइए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन मैनेज ऐप इंस्टॉल ऐप करके आपको ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें जाइए, सी ऑल ऐप्स पे जाइए एंड देन आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है और आपको सर्च करना है Jio TV। तो सर्च करने के बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट कर देंगे, ओपन कर देना है, फोर स्टॉप करना है, ओके करना है और उसके बाद स्टोरेज इन कैश पर जाके क्लियर कैश कर दीजिए। ठीक है, मेक श्योर सारे परमिशन इसका अलाउ रहे। और उसके बाद दोस्तों मेन यहाँ पे आपको चेक करना है इस ऐप का डेटा एक्सेस। ठीक है, तो उसके लिए आपको जाना है मोबाइल डेटा एंड वाईफाई, और यहाँ पे जाके आपको चेक करना है आपका बैकग्राउंड डेटा जो है वो इनेबल होना चाहिए। बैकग्राउंड डेटा ऑफ रहेगा तो आपका ऐप चल नहीं पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके मोबाइल पर लिखा हुआ है डिसेबल वाईफाई, डिसेबल डेटा यूजर्स, और आपने अगर इस सेटिंग को ऑन कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसको बंद करना है।
मान लीजिए दोस्तों आपके मोबाइल पे सिंपली डेटा यूजेस और वाईफाई ही लिखा हुआ है और यह सेटिंग बंद है, तो आपका डेटा नहीं चलेगा, वाईफाई भी नहीं चलेगा इस ऐप के लिए, ठीक है। तो उस केस में आपको ये ऑन कर देना है। तो आप अपने मोबाइल पे जो भी सेटिंग है उसके हिसाब से इस सेटिंग को अप्लाई कीजिए, उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए एंड देन जाइए दोस्तों अपने जियो टीवी ऐप को ओपन कीजिए और यहाँ पे जाके चेक करके देख लीजिए दोस्तों, आपका जियो टीवी ऐप ओपन भी हो जाएगा, वीडियो भी प्ले हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इस सॉल्यूशन को यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।